Look at this lake. So we have finally made it to Kausarnag Lake. ये हमें चाय मिली है, नमकीन चाय। Kausarnag Lake trek for you guys. ये वो बोल्डर वाला पैच है जिसको आप ज़्यादा सावधानी से क्रॉस करें तो ही बेहतर है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखे होंगे कि हम लोग कौसरनाग की ट्रिप के लिए निकले हुए हैं, तो पिछले 2 दिन से हम लोग चल रहे हैं घर से और कल पूरा दिन हमारा वेस्ट हुआ। कल पूरा दिन बारिश हुई और हम लोग अपने टेंट में ही रहे और आज तीसरा दिन है हमारा। तो सुबह सुबह उठ चुके हैं हम, 6:30 बजे हम उठ चुके थे और हमने अपना सारा सामान रैप किया। यहाँ पे हमारा टेंट था और सारा सामान रैप करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं वहाँ पे उनके पास रख देंगे और चल जाएंगे कौसरनाग की तरफ। थोड़ा थोड़ा धूप आने लगा है, वो देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फॉग आ रही है। अभी फटाफट से चलते हैं कौसरनाग की तरफ, देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो मिलते हैं आपसे आगे। अभी थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए जल्दी से मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। तो महीनाग से निकलती थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको एक छोटी सी झील मिल जाएगी जहाँ पे अगर मौसम साफ़ हो आप नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। और वो हमने अभी जस्ट धोया है, ये देखिए आप नज़ारे सुबह सुबह के। बस एक ही दुआ अल्लाह से कि मौसम सही रहे, बाकी सब तो मस्त है। पीछे से बादल आ रहे हैं, ये देखो। तो महीनाग से निकलने के बाद आप लगभग 30 मिनट का ट्रैक करेंगे तो आपको आगे नेटवर्क मिल जाएगा। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। जैसे ही आप वहाँ से आते हैं आप, तो ये पत्थर दिखता है आपको, तो यहाँ से आना है आपने और इस जगह पे प्रॉपर नेटवर्क आता है। जियो का भी आता है 1-2 सेल अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो, लेकिन एयरटेल का पूरा आता है, पूरे सेल आते हैं एयरटेल के। तो यहाँ पे आप आराम से घर वालों को कॉल करके अपना कौसरनाग का ट्रैक शुरू कर सकते हैं आगे। तो यहाँ से चढ़ने के बाद इस बोल्डर वाला ये एरिया जो है ना, यही ज़्यादा मुश्किल है और टाइम खाता है। तो इसको वहाँ से क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड को आगे जाके कौसरनाग आ जाता है। तो यहाँ पर अभी बैठे हैं सभी, तो सभी घर पर कॉल करेंगे और फिर से निकल जाएँगे आगे की ओर। ये वो बोल्डर वाला पैच है जिसको आप ज़्यादा सावधानी से क्रॉस करें तो ही बेहतर है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स हैं। ये देखिए आप, ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर का ये पैच है, तो आप ध्यान से क्रॉस करें, यही मेरी सलाह है आपसे। और बगल से दरिया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन ऊपर से जो बादल आ रहे हैं इनका हमें डर हो रहा है। खैर अभी चलते हैं बिना किसी देरी के। है तो ये कौसरनाग से पहले आती है एक छोटी सी झील, लेकिन बड़ी प्यारी झील, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में वो 2 नाले आते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। विंड ब्लास्ट का पूछो ही मत, बहुत ज्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है, बड़ा ही प्यारा है। ये है वो आखिरी चढ़ाई जो हमें चढ़नी है कौसरनाग के लिए। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी मौसम भी सही हो रहा है, बारिश रुकी, हमने रेनकोट्स निकाल दिए हैं। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और कौसरनाग की एक चढ़ाई हमने क्रॉस कर लिया है। एक आगे हमारे सामने मुंह खोल के खड़ी हुई है और अभी हम लोग पी रहे हैं स्टिंग इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर, बिस्मिल्लाह। और हमारे पास है ये छुटको एनर्जी पॉकेट, तो ये भी पियेंगे। छोटा पटाखा नहीं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये हमारे शिराज भाई कैसा लगा आपको? डिफिकल्ट लगा? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल इजी था। हाँ, मजेदार था। कुछ लोग हाइप करते हैं, बोलते हैं भाई ये है वो है, कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। मजे के जो ट्रैकर मैं करता रहता हूं ना पहले, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल इजी था ये। बिल्कुल जो ट्रैकर उसके लिए कुछ नहीं है कौसरनाग, कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो ये आखिरी चढ़ाई है। और कुछ बोला है आपने? थैंक यू। तो ये शमस भाई भी आ रहे हैं और ताबी भी आ रहा है। लेकिन क्या वैली है यार, ये बड़ी खूबसूरत वैली है। बस एक चीज़ की कमी है, फूलों की कमी है, फूल नहीं है बस, बाकी सब बढ़िया मस्त है। तूने इसको टच किया तो तू गायब हो जाएगा। नहीं होगा गायब यार। कर ले ना, तूने टच किया तो गायब हो जाएगा। अबे कर ले कुछ वीडियो बनी है यार, कर देना यार, कुछ नहीं होता, ऐसे करना। खान पीन की चीज है उसमें यार, खान पीन की चीज है। देख ये यार, ये दे रहा, ये ले कर, अब ऐसे कर ओ करना, ऐसे कर, ऐसे टच कर, सिर्फ ऐसे टच कर ले, ये बेबी। तो अभी हैं हम कौसरनाग ट्रैक के एक सबसे बड़े पत्थर, खूबसूरत पत्थर पे, जो कि लटकता है जैसे एक बारामुल्ला में है शायद वो पत्थर जो लटकता है, जिसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं। वैसा ही पत्थर यहाँ पे कौसरनाग में एक है। यहाँ से देखो कैसा नज़ारा है। तो अभी हम लोग हैं इस पत्थर पे, कुछ फ़ोटो लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से जाना है हमें ऊपर, बस अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। और ये वाली जो शाख है ये आती है कौसरनाग से, और वो डिफरेंट ग्लेशियर से काफ़ी सारी शाखें आती हैं और ये दरिया बनता है। So mates, we are right now at the elevation of 3,400 meters approx. Not sure about the elevation, but yeah, we have finally made it to Lake Kausarnag, and it's incredible, it's magical. बहुत खूबसूरत है। Wow, mashallah. Look at this lake. So we have finally made it to Kausarnag Lake. Mashallah, subhanallah. ये है द किंग ऑफ एल्पाइन लेक्स। 3 किलोमीटर और शायद से 1.5 किलोमीटर लेंथ ब्रेड था इसका। एलिवेशन है अप्रॉक्स 3,400 मीटर। अगर मैं गलत हुआ तो मैं करेक्ट करके बता दूंगा। हल्की सी बारिश हो रही है, चलते हैं देखते हैं क्या कुछ है। गया हमारा हेलीकॉप्टर। तो अभी बज रहे हैं 11, हम कौसरनाग लेक पे पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम थोड़ा सा ऊपर आए। यहाँ पे एक ये था घर बना हुआ, तो इन लोगों ने हमें चाय ऑफर करी है, नमकीन चाय। तो पहाड़ों पे नमकीन चाय, भाई क्या ही बोलूं। ये देखो, ये प्याली में मिली है हमें चाय, पहाड़ों वाली चाय मिली है प्याली में। मज़ा ही कुछ अलग है, इसका मज़ा अलग है। बाहर से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पे हम लोग बैठे। ये चाचा की कोठी है, ये हमें चाय मिली है नमकीन चाय। तो शुक्रिया पहाड़ों के पीछे वाले लोगों का। बोकोरी हॉस्पिटल के डेंटिस्ट गया ना, रिज़्क लिखा होता है भाई किस्मत में। सो ये अभी खाना आ चुका है, चाची ने गर्म करके दिया है हमें। खाना खाते हैं, उसके बाद जल्दी से निकलते हैं। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हम कौसरनाग से निकल रहे हैं। ये हमारे पीछे है कौसरनाग। तो इस साल के लिए आखिरी बार मैं कौसरनाग को देख रहा हूँ, इसके बाद शायद से पॉसिबल नहीं होगा कौसरनाग आना। तो मिलते हैं फिर से जल्दी। अभी चलते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग के एक चाचा ने बना दी थी, वहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया और उन्होंने नमकीन चाय दी, वो भी। तो अभी चलते हैं फटाफट से और देखते हैं क्या कुछ होता है। तो अलविदा कौसरनाग और कौसरनाग की पहाड़ियाँ। दिस इज़ कौसरनाग लेक ट्रैक फॉर यू गाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेस पर पहुंच चुके हैं, मतलब महीना पहुंच चुके हैं। सुबह हम लोग यहां से एग्जैक्ट 7:30 बजे निकले थे, अभी 2 बज रहे हैं। तो आप हिसाब लगा लेना कि बारिश में हम लोग गए कौसरनाग देखने के लिए, 7:30 को निकले, 2 बजे वापस आ गए। और अभी हम लोग यहाँ पे कहीं पे नहीं रुकने वाले। ये है ना, यहाँ पे हमारा सामान था, तो यहाँ से हम सामान लेंगे और आज हम घर पुश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारा 3रा दिन है ऑलरेडी। तो बहुत ही मज़ा आया है। आजा वो डंडा मत लगाओ, डंडा निकल जाएगा। डंडा मत लगाओ, निकल जाएगा डंडा। ओए आराम से यार, आराम से। मेरे शूज में पानी नहीं गया। बज रहे हैं 3 और हम खा रहे हैं सूखी मैगी, हम खा रहे हैं सूखी सूखी सी मैगी। ये देखो आप, यिप्पी मैगी, मैगी में मसाला डाल के ये खा रहे हैं सूखा सूखा। और हल्की हल्की बारिश होने लगी अब, मस्त मज़ा है। होप यही है कि शाम से पहले हम लोग घर पहुंच जाए, जो कि लग रहा है मुझे कि पहुंच जाएंगे। दोस्तों पहुंचने वाले हैं कोंगोटन, लेकिन आप ये रास्ता देखो, रास्ता चेक करो आप, बड़ा ही दुखदायक रास्ता है। सो बारिश तो तब से कंटिन्यू हो रही है। व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन ट्रैक थोड़ा सा ख़तरनाक हो रहा है। तो फाइनली हम लोग कोंगोटन पहुंच चुके हैं, बारिश अभी भी हो रही है। तो अभी बज रहे हैं 4, तो होपफुली 5 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही तगड़ा ट्रैक रहा आज, पूरा बारिश में ट्रैक हुआ। भ्रमसर पे भी इतना ख़तरनाक नहीं हुआ जितना आज हुआ, सब कुछ भीग गया आज। ये आपका नॉर्मल वाला कोंगोटन नहीं है, यहाँ से अभी दरिया बह रहे हैं भाई, ये देखो, ये देखो जी। तो बहुत बारिश हुई है, पिछले तीन दिन से बारिश हो रही है। तो आप हाल देखो, हर जगह पानी भरा हुआ है। तो 6:30 बज रहे हैं एंड वी हैव फाइनली मेड इट टू गुरुवाटन। आप बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, और इट्स फीलिंग ग्रेट। आज पूरे दिन की समरी अगर मैं आपको बताऊं तो हमने 34 किलोमीटर प्लस हम चले हैं तगड़ी बारिश में, मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मेरे पैरों की हालत जो है, बड़ी ख़राब हालत है पैरों की, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से कौन से कट्स लगे हुए पैर में। खैर फ़िलहाल हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी तक, वो रही वहाँ पे गाड़ी है पार्क। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एक कौसरनाग की सीरीज़ पसंद आई होगी, जिसमें हमें बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ। सीरियसली हम सुबह 6 बजे से बारिश में चल रहे हैं, हैवी बारिश में, और फाइनली 6:30 बजे हम लोग पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पर। तो अभी यहाँ से हम लोग गाड़ी में सामान डालते हैं, घर निकलते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले किसी नई एडवेंचर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम, गुड बाय।